एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक ग्रैटिट्यूड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड, अबाउट थैंक यू, अबाउट ग्रेटफुलनेस, अबाउट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव एज टू व्हाट यू डोंट हैव। नाउ व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। स्टे ट्यून्ड, we're going to have a productive, a very useful talk about. Thank you. Mansi, are you going to ask us to say thank you for everything? For example, उठने के बाद कि मैं उठी हूँ आज, thank you कहो. Brush करते वक्त thank you कहो. नहाते वक्त thank you कहो. कुछ भी बनाते वक्त thank you कहो. दिन भर में जो काम मैं करती हूँ उस वक्त thank you कहो. Are you going to ask me to do that? तो द थिंग इज, मैं आपको कुछ भी बताने नहीं वाली हूँ कि ऐसे करो, बिकॉज यू कैन नॉट फॉलो व्हाट आई आस्क यू टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। योर लाइफ इज योर लाइफ, माय लाइफ इज माय लाइफ, एंड योर बिलीव्स आर योर बिलीव्स, माय बिलीव्स आर माइन। बट द थिंग इज, द जिस्ट ऑफ ऑल दिस इज, जो भी आपके लाइफ में है, जिसको आपकी लाइफ में होने के लिए, जिसके आपके लाइफ में होने के लिए आप प्राउड फील करते हो, वो हर एक चीज ग्रैटिट्यूड वर्दी है। तो आई एम थैंकफुल फॉर द ब्रेथ दैट आई टेकन, फॉर द प्योर ब्रेथ दैट आई टेकन। आई एम थैंकफुल फॉर द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ। आई एम थैंकफुल फॉर द बॉडी दैट आई हैव। आई एम थैंकफुल फॉर the environment that I grew up in। तो आप किसी भी चीज़ के लिए thankful हो सकते हो। अभी मैंने examples दिए, वो मेरे related है, लेकिन मुझे लगता है कि balance साधने के लिए physical, mental, spiritual, social, environmental, ये सारे अगर आप चीज़ों के लिए, जो जो आपके लाइफ में है उसके लिए अगर ग्रेटफुलनेस दिखाए, थैंकफुल हो जाए, तो आपको फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड का अनुभव जिन लोगों ने अपने लाइफ में लिया है, फॉर एग्जांपल जो लोग प्रैक्टिस करते आए हैं ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में, वो आज बहुत ही बड़े स्तर पर उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है। पार्डन माई हिंदी, इट कैन बी वेरी गुड एट सम टाइम्स एंड दैट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मेनी पीपल, सक्सेसफुल पीपल हैव प्रैक्टिस्ड ग्रैटिट्यूड इन देयर लाइफ। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको पता है उन्होंने प्रैक्टिस किया है। बहुत से लोग हैं सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, लेकिन उनको पता भी नहीं कि उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द जर्नी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है। नाउ हाउ डू यू से दैट? हाउ डू यू नो देन दैट व्हाट इज ग्रेटफुलनेस, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड इज योर फोकस ऑन व्हाट यू हैव। Gratitude is being grateful about what you have. Gratitude ये एक जरिया है find out करने के लिए कि मेरे life में, मेरे पास मेरी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरी अपनी हैं, जो मेरे अपने control में हैं। That is gratitude. ये नहीं कि हर चीज के लिए बस thank you, thank you, thank you, thank you. Gratitude is trying to find out the things in your life that you are proud of having, ताकि आप उनमें और ज़्यादा खूबी ऐड कर सको, उसमें और ज़्यादा ब्यूटी ऐड कर सको, और उसमें आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सको। आप जब कहते हो that I am thankful for my confidence, you add strength to your confidence. अगर आपको, जब आप छोटे होते हो, किसी ने अगर कहा है कि दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर अगली, या ब्यूटी से आपका कोई संबंध ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने उस चीज़ को बिलीव किया है दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, तो उसको चेंज करने के लिए,
उसको निगेट करने के लिए आपको खुद को ये एहसास दिलाना पड़ता है बार बार दैट आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, आई एम ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। ये जो ब्यूटी है एनहांस करने के लिए, एक्चुअल एक्सपीरियंस करने के लिए दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड मेक बिलीव योर सेल्फ दैट यू आर ब्यूटिफुल। तो आप अगर खुद को कह के बार बार अगर एहसास दिलाए, या कोई और आपको लकीली आपको मिले आपके लाइफ में जो आपको कहे दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तो जो अपने बचपन में सुना होता है वो शायद निगेट हो जाता है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन जो नया हमें मिला है वो अगर हमें कह रहा है दैट आई एम ब्यूटिफुल, देन आई बिलीव इट, देन मे बी आई एम ब्यूटिफुल, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ कि हाँ सच में क्या मैं सुंदर हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज दिस पर्सन हैज सेड दैट आई एम ब्यूटिफुल। लेकिन किसी का इंतजार करने के बजाय अगर आप खुद को कहे दैट आई एम ब्यूटिफुल, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड। ये एक एग्जाम्पल था। कभी कभी छोटे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें उनके माइंड पे बम्बार्ड की जाती है विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, यू आर नॉट गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू नो ही इज़ गुड एट लिटरेचर एंड इंग्लिश बट ही इज़ नॉट गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड ही इज़ नॉट गुड विथ लॉजिक्स। तो ये चीज़ें अगर हम बच्चों के सामने कहे तो उनके माइंड में रजिस्टर होती है, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर नॉट गुड एट इट, एंड देन अंटिल समथिंग हैपन्स ड्रास्टिकली विच चेंजेस देयर बिलीफ, तब तक वो उसी चीज को सच मानने लगते हैं। इसी तरह लाइफ के बारे में भी है, इसी तरह आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी है। आपकी फिजिकल हेल्थ, किसी ने कहा दैट योर बॉडी इज यू नो अपनी हेरिडिटी है, अपने घर में सब मोटे हैं तो यू आर मोटा बिकॉज ऑफ दैट, देन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू हैव द सेम ईटिंग हैबिट्स लाइक योर फैमिली डज, एंड देन यू एंड अप बींग ओबीज, यू एंड अप हेटिंग योर बॉडी। आई एम नॉट अगेंस्ट बींग ओबीज, अगर वजन ज्यादा भी है और अगर आप हेल्दी हो, आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं है, यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एनीबडी सेज, एंड इट्स ईजी फॉर मी टू से। लेकिन आप खुद के बारे में क्या कहते हैं? डू यू लव योर बॉडी? ठीक है, यू डोंट से कॉन्स्टेंटली दैट आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव, इफ इट्स चीजी फॉर यू डोंट से इट, बट डू यू एक्चुअली लव योर बॉडी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू यू हेट योर बॉडी? बिकॉज दैट इज नॉट गुड, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। दिस बिकम्स द फिजिकल हेल्थ। सेकेंड इज अ मेंटल हेल्थ। What are the mental barriers that you have in your mind? क्या आप उस खोज में हो कि आपकी mental strengths क्या क्या है? जब आप कहते हैं that I am thankful for the mental peace that I experience, I am thankful for my energy, mental energy that I spread everywhere, the vibrations, positive vibes that I spread everywhere, या आप ऐसे इंसान हो जो किसी रूम में अगर एंटर करते हो तो झगड़े हो जाते हैं, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं कुछ भी कर देता हूँ या कुछ भी कर देती हूँ, आप इसमें अगर प्राइड रखते हो तो आप उस चीज को फीड कर रहे हो। यू नीड एंगर मैनेजमेंट फॉर योर ओन वेलबींग, किसी और के लिए नहीं, आप खुद के लिए करो। तो ये मेंटल बैरियर्स है। तो अगर आप खुद को एहसास दिलाए दैट यू आर थैंकफुल कि आप अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हो, कि आपका फोकस अच्छी चीजों पे है, किसी और की अच्छाई आपको पहले दिखती है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस बात का अगर आप एहसास दिलाते हो दैट, तो यू आर नेचुरली बीइंग थैंकफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर गुड मेंटल हेल्थ। व्हाट अबाउट सोशल हेल्थ? आई एम नॉट गुड विद पीपल, आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग विद पीपल। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इन योर माइंड, you put yourself in a position where you are inhibiting yourself from going out there, making friends, etc. I struggled a lot with this. तो आप
अगर इस बात पे फोकस कर रहे हो कि मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपलिफ्टिंग है, जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो यू स्टार्ट मीटिंग दोज काइंड ऑफ पीपल। तो आपका फोकस चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ हेटिंग एवरीबडी आउट देयर, सबको हेट करने की बजाय एंड सेइंग दैट आई एम नॉट गुड विद पीपल, सो आई एम इनटू माय ओन मेंटल स्पेस ऑल द टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो आउट देयर एंड मीट द पीपल दैट दैट फिट इन योर अपलिफ्टिंग पॉजिटिव कैटेगरी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बात नहीं है कि हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहो, हालांकि दैट इज नॉट बैड एज वेल, आप वो भी कर सकते हो। इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वुड यू वुड लाइक टू डू, देन डू इट। बट बात सिर्फ इतनी है दैट योर फोकस, इंस्टेड ऑफ ऑन वॉट यू डोंट हैव, आपका फोकस चेंज कीजिए ऑन वॉट यू हैव। माई डियर फ्रेंड, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर आप दो लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास क्या है और दूसरी लिस्ट है मेरे पास क्या नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पे आपकी दोनों लिस्ट भरने वाली है। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप कहें ऐसे कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। यू आर लाइंग टू योर सेल्फ इफ यू आर सेइंग दैट। तो मेरा बस ये कहना है, ये लिस्ट ही बनानी नहीं है, जो मेरे पास नहीं है उसकी लिस्ट ही नहीं बनानी, जो मेरे पास है उसी चीज की, उन्हीं चीजों की लिस्ट हमें बनानी है, ताकि हमारा फोकस उन पे चला जाए, हम ज्यादा से ज्यादा ताकत उन्हें दे और हमारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनती जाए। दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज एज माई व्यूअर्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। जिनकी आप केयर करते हैं अपने लाइफ में, अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो शुड रीच देम, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ उनकी लाइफ भी प्रॉस्परस बने। बिकॉज दीज पीपल दैट यू लव, आप जब एक पॉइंट पे, आपके गोल पे आप पहुंचेंगे, तो यू वॉन्ट दीज पीपल इन योर लाइफ, राइट? और एक मेंटल प्लेन पे भी हमें वो वहां चाहिए। तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई भी बैरियर्स मत रखिए अपने माइंड में रिगार्डिंग योर फिजिकल हेल्थ, रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग योर सोशल हेल्थ, रिगार्डिंग एनी हेल्थ प्लेटफॉर्म दैट यू विश टू प्रॉस्पर इन। आई लव यू गाइज। जितने भी लोग मुझे देखते हैं वीडियोज के थ्रू, आई रियली रियली लव यू गाइज, क्योंकि आप अपना समय निकालते हो इस इन वीडियोज को देखने के लिए। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी मोर एंड मोर क्रिएटिव विद द कॉन्टेंट दैट आई शेयर विद यू गाइज। पर मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि अच्छी चीजें जो है वो आप तक पहुंचे, एंड दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू कीप डूइंग। थैंक यू सो मच अगेन, फिर मिलेंगे, नमस्ते।